कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं चिकन को हम रोस्ट करेंगे। और अभी मैंने चिकन को ऐसे कट लगा लिए हैं, पीस लगा लिए, देखें ऐसे नाइफ के साथ कट लगा लिए हैं। अब इसके साथ यूँ सोया सॉस लगाएं इस पर। तकरीबन एक चम्मच सोया सॉस लगा लिया, एक चम्मच चिली सॉस लगा लिया, देखें जी ये चिकन टिक्का मसाला है, नमक, हल्दी और ये वाली दादर मिर्चें। मेरे पास चूँकि दूसरी मिर्चें बारीक पिसी हुई मिर्चें नहीं थी, तो मैंने इसलिए इन मिर्चों से काम चला लिया। अब इन मिर्चों को आप लगाएंगे, इन चीज़ों को आप इस पर यूँ मिक्स करके इस पर चला दीजिए और फिर इनको यूँ मिक्स कर लीजिए, अच्छी तरह से मसाला जो है ना वो इनमें लग जाए, हर जगह पे मसाला इसमें बिल्कुल अच्छी तरह से रच बस जाए। देखें जी ऐसे इसके ऊपर थोड़ा सा लेमन निचोड़ लें, यू लेमन निचोड़ लें, और इसको रखते हैं आप मैरिनेट होने के लिए रखते हैं। आप चाहें तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, इसका कैप बंद कीजिए और आप इसको रख दें तकरीबन आधे घंटे। ये देखें जी ये पानी चिकन ने अपना छोड़ा है, क्योंकि सोया सॉस और चिली सॉस को डाला था इसलिए थोड़ा सा इसने पानी छोड़ा है। नहीं यार मैं बकवास। Thank you.
जी। तो प्यारे दोस्तों मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं हूँ आपकी अपनी निजी बटर ब्लॉगर, और ट्राई भी कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है, क्योंकि मेरी ये कोशिश होती है कि मैं बहुत ही कम टाइम में बहुत ही शॉर्ट चीज़ों के साथ जो हमारे घर में अवेलेबल है उन चीज़ों के साथ ऐसी रेसिपीज बनाऊं जो उमूमन लोग नहीं बनाते। तो वो ये सोचते हैं कि ये चीज़ होगी तो हम ये बनाएंगे, ये चीज़ होगी तो हम वो बनाएंगे। सिर्फ आपको मेन चीज़ एक जो है वो मीन कि आप चिकन लेके आते हैं, तो चिकन तो डेली रूटीन में भी कुछ लोग लेके आते हैं, तो आप ज़रूर ट्राई किया कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।